माई होम किचन में आपका स्वागत है। और आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी मलाई से घी। तो उसके लिए मैंने फ्रिज से मलाई को एक घंटे पहले निकालकर बाहर रूम टेम्परेचर की रख दिया था। अब मैं इसको एक इसकी सहायता से 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही मिक्स करती रहूँगी, मलाई को अच्छे से मिक्स करते रहें। बहुत ही आसान तरीके से घी निकल के आ जाता है, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इसमें ज़्यादा, ना मिक्सी की ना किसी की, सिर्फ हम इसकी सहायता से ही इसका अच्छे से घी निकालेंगे। इसको मैं 5 मिनट तक ऐसे ही लगातार फेंटती रहूँगी। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको हम फिर से सिर्फ 5 मिनट के लिए ऐसे ही फेंटेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, पानी से ऊपर ही अपने आप अच्छे से घी आ गया है। ये हमारा मक्खन, हमने इसको सिर्फ 10 मिनट भी नहीं, सिर्फ 5 मिनट के लिए ही फेंटा था, ऊपर आसानी से इसके ये मक्खन आ गया है। बस हमें इसको फ्रिज से 1 घंटे पहले निकाल कर ऐसे ही बाहर रूम टेम्परेचर में रख दीजिए। उसके बाद हमको सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको मिक्स करना है बस। अब इसका हम इस पानी से हम इस मक्खन को जिस बर्तन में हम घी उबालेंगे उसमें निकाल लेते हैं। मैं इसे अब एक कढ़ाई में निकाल लेती हूँ। इसको हमें इस तरीके से इसका पानी सारा निकालना है, सिर्फ मक्खन मक्खन को हमें एक कढ़ाई में डाल दूँगी। ये सबसे आसान तरीका है मक्खन से घी निकालने का, झटपट निकल कर रेडी हो जाता है बिना झंझट के। एक बार आप इस तरीके से निकाल कर देखना। मैंने सारा मक्खन एक कढ़ाई में ले लिया है। अब मैं इसे गैस पर रख के इसको घी बना लेते हैं। मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है। अब इसको मैं लो मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना है हमें। पाँच मिनट बाद ही देखना दोस्तों, हमारा घी बहुत अच्छे से निकल कर आएगा, हमें ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है। हमें लो मीडियम फ्लेम ही रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना है। हमारी मक्खन में देखो अच्छे से बॉयल आ चुका है। इसे हम सिर्फ 10 मिनट के लिए इस तरीके से ही उबलने देंगे। उसके बाद हमारा घी बनकर तैयार हो जाएगा बस। हमें बीच बीच में थोड़ा सा चेक करते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा घी अच्छे से बॉयल हो रहा है। अब बस हमें इसको 1 मिनट के लिए और गैस पर रखना होगा। उसके बाद हमारा घी एकदम परफेक्ट तरीके से, मैंने इसमें सिर्फ बीच बीच में चलाया है। ये देखिए मेरी घी कितना अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। सिर्फ 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगती हैं इसे बनने में। बस हम इसे थोड़ी देर के लिए और पकने देंगे ताकि ये हमारा ऊपर से सारा नीचे इसका जो मक्खन रहता है थोड़ा सा बैठ जाएगा। मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे पकाना है, हाई फ्लेम पर हमें नहीं रखना है इसको। देखिए फ्रेंड्स, हमारा घी पक चुका है। अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी और इसे मैं इस तरीके से ही 1 मिनट के लिए कढ़ाई में ही रहने दूंगी। उसके बाद मैं इसे एक छलनी की सहायता से छान लूंगी।
हमारा 1 मिनट हो चुका है, हमारा घी अच्छे से सेट हो चुका है। अब मैं इसको एक बर्तन में छान लेती हूँ। मैंने छलनी की सहायता से एक बर्तन में निकाल लिया है। देखिए हमारा घी कितना अच्छे से बनकर 10 मिनट में तैयार है। अब इससे आसान तरीका कोई नहीं है, ये सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका है। थैंक यू।